वेलकम बैक टू माय मदर्स चैनल। तो आज हम लोग बनाएंगे एकदम चीज़ी पिज्ज़ा। तो यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है और इसे सेपरेट कर लेंगे थोड़ा, और फिर इसमें हम लोग डालेंगे पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, 2 चम्मच चीनी और फिर पिंच ऑफ बेकिंग पाउडर डालेंगे और फिर नमक। उसके बाद हमने यहाँ लिया है डालडा, आप चाहे तो ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। और फिर यहाँ पर डालेंगे हम लोग कर्ड 1/4 कप और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हम ग्रेजुअली स्पैचुलाई से मिक्स करते रहेंगे। जब तक ये कुछ इस तरह से नहीं हो जाता तब तक हम लोग मिक्स करते रहेंगे, और इसमें थोड़ा सा फ्लोर स्प्रिंकल करके इसे अच्छे से नीड कर लेंगे। एकदम अच्छे से इसे नीड करते रहो और इसे अच्छे से 2 मिनट तक लगातार नीड करेंगे। उसके बाद फिर इसमें हम लोग फ्लोर स्प्रिंकल करेंगे और इसे अच्छे से नीड करेंगे, इसे खूब पिटाई करेंगे इसकी, जब तक ये एकदम सॉफ्ट डो नहीं बन जाता। इसे मारो पीटो कुछ भी करो, इसे सॉफ्ट डो एकदम बनाना है। उसके बाद 2 मिनट के बाद इसकी अच्छे से पिटाई करने के बाद हमने इसका सॉफ्ट डो एकदम बना लिया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक बाउल लेंगे और उसमें हम लोग ऐड करेंगे ऑयल और अच्छे से इसे ग्रीस कर लेंगे। और फिर यहाँ पर मैंने लिया है वो बना हुआ डो और इसके ऊपर भी हम लोग ऑयल को ग्रीस कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक भीगा सा कॉटन का कपड़ा ले लेंगे और इसे ढाँक कर कम से कम 2 घंटे के लिए फर्मेंट होने देंगे। कैप्सिकम को स्लाइस कर लेंगे, अनियन की स्लाइस कर लेंगे और इसे और छोटे टुकड़े में काट देंगे, टमाटर की स्लाइसेस कर लेंगे। और फिर अब 2 घंटे के बाद ये अच्छे से पूरा फर्मेंट हो गया है और फिर इसे एक और बार अच्छे से हम लोग नीड कर लेंगे फिर से। उसके बाद इसे ना 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा डो बन गया है, तो हम लोग इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करके उसके बाद यहाँ पर हम लोग लेंगे पिज्ज़ा का प्लेट और इसमें ऑयल ग्रीस कर लेंगे अच्छे से। और अब हम लोग डालेंगे इसमें पिज्ज़ा का डो और इसे अच्छे से पूरा फैला लेंगे। धीरे धीरे इसी तरह हम फैलाते जाएंगे और एक फोक की मदद से इस तरह से बेस में होल बनाते जाएंगे। उसके बाद पहले हम लोग माइक्रोवेव को हीट कर लेंगे, इसके लिए कॉन्वेक्शन मोड में 180 डिग्री करके 20 सेकेंड के लिए इसे प्री हीट करेंगे। और अब ये प्री हीट हो गया है, इसके ऊपर हाई रेक डाल के पिज्ज़ा का डो डाल देंगे और फिर कॉन्वेक्शन मोड में 180 डिग्री में स्टार्ट करेंगे हम लोग, और इसे कम से कम हम लोग 5 मिनट तक कुक करेंगे। और हमारे यहाँ पर पिज्ज़ा का बेस तैयार है, आप लोग देख सकते हैं। मैंने ना इसमें टोमेटो सॉस और हॉट चिली सॉस का कॉम्बिनेशन करके पिज्ज़ा में डाला है और फिर इसमें थोड़ा स्लाइस चीज़ डाल देंगे, फिर कैप्सिकम, एक एक करके सारे को डेकोरेट करेंगे। और फिर हमने इसमें टमेटोज़ डाला है और इसमें अनियंस डाल देंगे। और मैंने ना कुछ इस तरह से पिज्ज़ा की टॉपिंग की है, आप लोग चाहो तो अपने मनचाहे वेजिटेबल्स डाल सकते हो। मैंने इसमें ना स्लाइस चीज़ को ग्रेट करके डाला है ऊपर से ताकि पिज्ज़ा और अच्छा दिखे और इसका टेस्ट भी और अच्छा आए। तो अब हमारा पिज्ज़ा कुक होने के लिए रेडी है। पिज्ज़ा को ओवन में डाल देंगे, अब ओवन को कॉन्वेक्शन मोड में प्रेस करेंगे, 180 शो कर रहा है यहाँ पर। उसके बाद टाइम सेट कर लेते हैं, तो मैंने यहाँ पर 10 मिनट्स रखा है। और एक चीज़, ओवन टू ओवन ये वैरी कर सकता है, मैंने यहाँ पर 10 मिनट्स रखा है, 180 डिग्री में पकाया है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा पिज्ज़ा बन रहा है यहाँ पर, 10 मिनट हो चुका है और हमारा पिज्ज़ा यहाँ पर रेडी है। तो चलिए इसे निकाल के देखते हैं,
वाह कितना अच्छा दिख रहा है, मतलब ऊपर का चीज़, वाह कितना अच्छा दिख रहा है ये। और हमारा पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा कुक हुआ है, और इसके ऊपर हम लोग फिर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करेंगे। और अब आप लोग देख सकते हो कितना टेस्टी, यमी और चीज़ी भी है ये। मोज़रेला चीज़ हमने नहीं डाला था, स्लाइस वाला चीज़ डाला था, और बिना ईस्ट का बहुत अच्छा बना था, बहुत ज़्यादा ही टेस्टी था, मुझे बहुत पसंद आया, सब ने बहुत शौक से खाया। तो अगर आपको बिना ईस्ट का ये चीज़ पिज़्ज़ा पसंद आया होगा तो मेरी मम्मी के चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।